आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज, इफ इन अ कोडेड लैंग्वेज कोवैक्सिन इज रिटन एज 14 9 24 1 22 1 15 3, हाउ विल स्पुटनिक बी रिटन इन दैट कोडेड लैंग्वेज। क्या कह रहा है कि एक कोडेड लैंग्वेज है, उसमें कोवैक्सिन COVAXIN इज रिटन एज 14 9 24 1 22 15 and 3। ठीक है, तो इन स्पुटनिक उसी कोडेड लैंग्वेज में कैसे लिखी जाएगी। ऑलराइट, एक चीज हमें दिख रही है कि ए की प्लेस वैल्यू यहाँ पे 1 दिख रही है, बट सी की प्लेस वैल्यू तो 14 नहीं होती है, ना तो सी के ऑपोजिट की प्लेस वैल्यू 14 होती है। वी के ऑपोजिट की वैल्यू ई होनी चाहिए, मतलब कि 5 होनी चाहिए, यहाँ पे 14 है, 5 कहीं दिख नहीं रहा। ठीक है, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, सो व्हाट वी कैन डू इज राइट डाउन द वैल्यूज, इन वैल्यूज की जगह उनके अल्फाबेट्स लिखते हैं। लेट्स सी व्हाट वी कैन गेट। 14 इज एन, एन आई इज 9, 24 इज एक्स, 1 का तो हमें पता है ए, 22 इज वी, 15 इज ओ एंड 3 इज सी। सो व्हाट वी कैन सी इज, ये तो कोवैक्सिन का उल्टा लिखा हुआ है, COVAXIN, राइट, इजी, और उसी के हमने प्लेस वैल्यू लिख दिया। तो इन दिस वे हम स्पुटनिक का भी लिख सकते हैं, राइट, इट इज SPUTNIK। करना क्या होगा, हमें स्पुटनिक उल्टा लिखना है, KINTUPS। अब यहाँ पे इनकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं। K की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 11, I की प्लेस वैल्यू 9 होती है, N की 14 होती है, T की 20 होती है, U की 21 होती है, P की 16 एंड S की 19। Thus we have our answer, that is 11, 9, 14, 20, 21, 16 and 19. लेट्स फाइंड आउट कि किस ऑप्शन में ये अवेलेबल है, ये ए बी सी या डी। क्या बोल रहा है, 11 9 14 20 11 9 14 20 21 16, पर यहाँ 18 है, यहाँ पे 19 होना चाहिए, ये गलत हो गया। 11 9 14 20 21 16 19, ये बिल्कुल सही है, फिर ये 19 से गलत है, 11 9 14 20 नहीं है। Thus we have our answer, that is option number B is our answer. Answer is option number B. Class 6 to 12 से लेके NEET, IIT, JEE, mains और advanced के level तक 10 million से ज्यादा students का भरोसा। आज ही download करें Doubtnut app या WhatsApp कीजिए अपने doubts 8400 400 400 पर।